सर ये रिव्यूज ऑन मोहम्मद अली, शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, मेरे ख्याल में हेक्टिक भी हुए। वेन्यू जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और चिली वेदर है यहाँ पर पिंडी का। मैंने ये देखा जितनी भी आउट होके जो है डगआउट में कोई भी नहीं बैठा हुआ, नीचे सारे जो है वो पवेलियन में जाके बैठते हैं ऊपर ड्रेसिंग रूम में। उसकी वजह नजर आ रही है कि फिजिकली अगर यहाँ देखें तो टेम्परेचर का बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। मुल्तान में अगेन डिफरेंट था, कराची में डिफरेंट था, 25-26 डिग्री, यहाँ पर जो है 14-15 चल रहा है, तो सर्दी भी ज़्यादा होती है, तो बॉलर्स को उतनी हेल्प नहीं मिल रही है और वार्म अप होने में। मेरे ख्याल में बॉलिंग राउंड आए थे मोहम्मद अली, पहला ओवर उन्होंने किया सैमयू को विद इन द स्टंप्स किया, और जो है वो यॉर्कर भी कर रहे थे, मगर उसके बाद जब पहला ओवर बहुत अच्छा था, पहला ओवर बहुत अच्छा था, उसके बाद फिर पहले ओवर में उन्होंने 7-8 रन दिए या 9 रन दिए, उसके बाद अगले में 21 और उससे अगले में और ज्यादा। अगले में जाहिर बात है कि हाथ जो बैट्समैन का खुलना शुरू हो जाता है बॉलर, इससे पहले बॉलर के खुले हाथ तो बैटर्स अपना हाथ खोल लेते हैं T20 में। साय मयूब ने फिर वो लेग स्टंप पे बॉल थी वहाँ से फ्लिक किया, उनका जो 360 वाला शॉट होता है वो नो लुक वाला जिसे कहते हैं, वहाँ से जब आपको एक शॉट लग जाए तो फिर आपको लाइन मेंटेन करना मुश्किल हो जाती है। तो अगेन स्ट्रगल तो की उन्होंने काफ़ी, टेस्ट के बाद वापस कमबैक करके आए, डेवियन टू फर्स्ट जो भी खेली अभी 2 सालों में, इतनी बॉलिंग उनके मेरे ख्याल मैार से ठीक है, अपनी तरफ से स्किल्स जो एफर्ट वो इंडिविजुअली कर रहे हैं मोहम्मद अली वो मेरे ख्याल में अच्छी कर रहे हैं, मजीद इंप्रूवमेंट करते रहें। ऑफ कटर करें जैसे सलमान शाह देखें आपके, वो चेंज ऑफ पेस करते रहते हैं, तो T20 फॉर्मेट में यही होता है कि आप चेंज ऑफ पेस करते रहेंगे तो बॉलें बचती रहेंगी आपकी और आपका इकोनॉमी बॉलिंग का रन रेट सही होता है।